स्वागत है आपका अपने चैनल में, ठीक है, आकाश शर्मा जैसे वीडियो में। बहुत दिनों के बाद वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, तब से रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो अब हर जगह वीडियोस चल रही है कबूतरों के सेल के ऊपर, 299 रुपये पर, 399 रुपये पर पटियाले कबूतर है, 499 रुपये पर मिल जाएंगे आपको। आपको 300 रुपये में चार कबूतर मिल जाएंगे जो कि गांठ वाले कबूतर है, जिनके पैरों में गांठ हो गई, बीमारी आ गई जिन कबूतरों में, वो भी कबूतर लोग सेल करने के लिए लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा एक चीज़ बताइए आप लोग, हर जगह कबूतर सेल होंगे तो कबूतर की बीमारी के ऊपर वीडियोस कौन बनाएगा? तो हमारा चैनल सबसे मैक्सिमम जो वीडियोस होंगी कबूतर की बीमारी पर होगी। देखिए, आपको कबूतर का बीमार होता है तो आप कहाँ जाएंगे उसको ठीक कराने के लिए? हमारे यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सबका कबूतर ठीक करने ले रहा हूँ। दिल्ली के अंदर है तो अपना कबूतर मेरे पास छोड़ सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चूज कर सकता हूँ, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करने के बाद आप वापस भी लेके जा सकते हैं, लेकिन लाल मंदिर में ऐसा नहीं होता, लाल किले पे वहाँ से आपको रिफंड नहीं मिलता है, वो ले लेते हैं कबूतर आपका, लेकिन हमारे यहाँ से आपको वापस मिलेगा, ठीक है। मेन पार्ट पे आते हैं, अच्छे टॉपिक के ऊपर आते हैं। बरसात का सीज़न चल रहा है, आप सभी को पता ही है, उस टाइम पे कबूतर बीमार होते हैं, मौसम चेंज हो जाता है बहुत जल्दी से, तो कबूतर उसको पकड़ नहीं पाता है मौसम को। तो इस कंडीशन में अपने कबूतर को कैसे ठीक रखें, क्या क्या मेडिसिन आपके पास में होनी चाहिए, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। आपका कबूतर जैसे सुस्त हो जाता है, कोना पकड़ लेता है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे? देखिए, आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स जैसे हम सबके लिए होता है, फर्स्ट एड बॉक्स जैसे आपको अपने कबूतरों के लिए बनाना चाहिए, उसमें मेडिसिन हर एक तरह की रखनी चाहिए। बरसात में कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेरामाइसिन का एक पाउडर आता है, एक कैप्सूल आपके टेरामाइसिन की, एक आता है पाउडर, तो आपको टेरामाइसिन का पाउडर रखना है, जिसमें जैसे कि आपका कबूतर कोना पकड़ लेता है, सही कोने में जा कर के बैठ जाता है कबूतर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको उसको ठीक कैसे करना है, दवाई देनी कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने देनी कैसे, 100 ml पानी लेना है, उसमें 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ग्राम उसमें डाल देंगे ये, और इंजेक्शन सिरिंज आपको पता ही है केमिस्ट की शॉप पर आराम से मिल जाएगी, 100 ml की भी, 50 ml की भी, 10 ml 20 ml की हर एक मिल जाती है। 2 से 3 ग्राम टेरामाइसिन का अपने पैकेट लेके आना है। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं पीछे वीडियो में आपको शो भी कर दूँगा, सारा कुछ मिल जाता है वैसे गूगल के ऊपर, तो मैं आपको शो करूँगा उसकी फोटो, ठीक है। तो अपने 100 ml पानी के अंदर 2 से 3 ग्राम अपने मिलाना है और अपने कबूतर को देना है, 3 दिन लगातार देना है, 4th दिन आप उसका रिजल्ट देख लीजिएगा कि आपका कबूतर ठीक हो गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपने ये करनी, अगर आपका कबूतर सुस्त हो रहा है और वो कोना पकड़ रहा है, और ज़्यादातर कबूतरों के साथ में ऐसा ही हो रहा है कि बरसात का सीज़न है, कबूतर बीमार हो रहे हैं सबके, क्या कोना पकड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं खुजली, अगर आपका कबूतर बहुत सारा खुजाने लग रहा है, आपके कबूतर के घर में कीड़े हो रहे हैं या फिर गंदगी है, कई भाइयों के होते हैं, कई भाई अपना जाल बहुत ज़्यादा साफ रखते हैं, लेकिन कई कबूतर ऐसे होते हैं नहीं कर पाते यार, साफ सफाई नहीं कर पाता टाइम, और उनके कबूतरों की खुजली होने लग जाती है। खुजली दो तरीके की होती है, एक होती है जूं वाली खुजली, कबूतर के जूं में पड़ जाती है, जो के लिए आप अलग से दवाई दे सकते हैं, उनको नान के अंदर आता है, ठीक है, वहाँ पर आप नान में दे सकते हैं। लेकिन अगर उसमें खुजली हो रही है, ज़्यादा खुजा रहा है, उसके लिए अलग दवाई होती है। उसके लिए दवाई कौन सी है, सेफ्लोसिन एक दवाई आती है, 20 ग्राम का पैकेट आता है ये, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं पीछे दिखा दूंगा आपको। तो एक कटोरी पानी में आपने 2 ग्राम डालना है इससे, ठीक है ना। तो आपका जो कबूतर खुजली कर रहा है आपने उसको ये पिलाना है, ये भी 2 से 3 दिन ही आपने पिलाना है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, 2 से 3 दिन आप पिलाएंगे उसकी खुजली होना थोड़ा सा कम हो जाएगी, धीरे धीरे उसको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पानी आपने सुबह पिलाना है और शाम में आना है, पूरे दिन नहीं देना है उस पर, ऐसा नहीं है आपने पूरे दिन रख दिया उसके आगे, नहीं, कोशिश करिएगा कबूतर को प्यासा रखने की, ज़्यादा प्यासा रहेगा तो ज़्यादा पानी पिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, अगर आपके बर्ड्स खुजली ज़्यादा कर रहे हैं और खुजली करते टाइम वो अपने पंखों को खुरेद देते हैं, जाल के पास में जा करके उससे फड़फड़ाते हैं, उसके पंजे पर के अंदर घाव आ गया, अब घाव आ जाने के बाद में देखिए क्या होता है, बरसात का मौसम है, नमी है उसके पानी के अंदर में, ठीक है, हवा के अंदर नमी आ जाती है, तो उसकी वजह से उसका घाव सूखेगा नहीं और पक जाएगा। अब इस कंडीशन में आपको कौन सी दवाई देनी है, ठीक है। और घाव हो जाएगा तो देखिए आपके घर में अगर कीड़े हैं कबूतरों के घर में, तो उस कीड़े भी उसके घाव को खाना शुरू कर देंगे, कबूतर सुस्त होना हो जाएगा शुरू और आपका कबूतर फिर जल्दी से मर भी सकता है। तो इस कंडीशन में आपने अपने कबूतर को क्या देना है, इस कंडीशन में आपने अपने कबूतर को देना है लोरेक्स क्रीम आती है, ठीक है। तो लोरेक्स क्रीम आपने उसको लगानी है जख्म के ऊपर सुबह और शाम लगानी है, और कोशिश कीजिए जब आप दवाई लगा देते हैं क्रीम को, उसके 10-15 मिनट या 20 मिनट तक उसको कबूतर को अकेले रखें, किसी फड़की के अंदर 100-150-200 रुपये की मैक्सिमम फड़की आ जाती है, तो आप उसके अंदर फड़की के अंदर अपने कबूतर को रखेंगे तो आपका कबूतर ठीक रहेगा, वरना दूसरे कबूतर उसको मारेंगे तो ज़्यादा परेशान होगा, तो इससे आपका कबूतर परेशानी होगा, अलग रखिएगा, दाना पानी खिलाइएगा, थोड़ा सा उसको भागने दीजिएगा। थर्ड नंबर तो ये हो गया, और चौथा
है आपका, जैसे कोई कबूतर अंडा नहीं दे रहा। अच्छा सीजन में ये बहुत होता है, जब बरसात का सीजन है कई भाई अंडे लेने की कोशिश करते हैं कि ठंड का मौसम होता है और बरसात का टाइम होता है तो अंडे लेते हैं। पहली बात तो देखिए बरसात में अंडे लेने ही नहीं चाहिए, जोड़े बच्चेबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या आती है, उसमें ना कीड़े मकोड़े होते हैं और जो बच्चे निकलते हैं दो में से एक ही बच्चा बचता है और एक को भी चिकन पॉक्स हो जाता है। ठीक है, मेरी चिकन पॉक्स के ऊपर भी वीडियो मैं आई बेल पर आपको दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ बैठ कर देख सकते हैं उसके लिए। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप चिकन जोड़ेबाजी ना करें, अंडे बच्चे ना लें। लेकिन फिर भी अगर कोई भाई जाता है कि अंडे मैं अगर लेता हूँ बच्चे लेता हूँ, कई छोटे अंडे रख देती है उनकी मादी, वो छोटे छोटे अंडे रख देती है, या मादी जोड़ा ही नहीं लगाती है, नर मादी जोड़ा नहीं लगा रहे, मीटिंग नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन के लिए भी एक दवाई है। ठीक है, विटामिन ई की गोली आती है, एक गोली आती है, एक सप्लीमेंट आता है। ठीक है ना, आपने गोली नहीं देनी, आपने सप्लीमेंट देना है। ठीक है, तो एक लीटर पानी में 5 ml आपने दे सुबह और शाम, दरवे के अंदर नहीं रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, पानी को अपने दरवे के अंदर नहीं रखना है, सुबह और शाम पानी पिलाना है। ठीक है, 5 ml एक लीटर पानी के अंदर आपने बीज लीजिए। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, अगर किसी भाई को समझना है तो दोबारा से वीडियो देख लेना, दोबारा से समझ लेना। ठीक है, और अगर किसी भाई को अगर कोई वीडियो चाहता है किसी बीमारी के ऊपर से, कबूतर में कोई बीमारी नहीं आई है जैसे कि हवा की बीमारी या बहुत अलग अलग तरीके की इस टाइम बीमारियाँ चलने लग रही है, तो उस बीमारी पे चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स।